हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो बच्चे राजस्थान पीडीटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कितने नंबर का क्या आएगा, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल फ्री में पीडीटी की तैयारी कैसे करें, कम समय में तैयारी ज़्यादा कैसे करें, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो बच्चे राजस्थान पीडीटी 2022 की बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8302345280। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लें और हमें मैसेज करें। मैसेज करने के बाद आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर आप सभी डेली लाइव टेस्ट दे पाएंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क फ्री में। एक भी पैसा आप लोगों को नहीं देना है। तो क्या पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग जो व्हाट्सएप नंबर है 8302345280, इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लीजिए और हमें मैसेज करें। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप स्टडी 24 आवर्स। इस व्हाट्सएप ग्रुप में राजस्थान पीडीटी 2022 की परीक्षा के लिए डेली लाइव टेस्ट हो रहा है। 1 घंटे का ये लाइव टेस्ट होता है, रात के 9 बजे से रात के 10 बजे तक 1 घंटे का लाइव टेस्ट होता है। जो भी बच्चा हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। क्या प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ी बात ये कि लड़कियों का ग्रुप अलग है और लड़कों का ग्रुप अलग। ये जो ग्रुप आप लोग देख पा रहे हैं ये लड़कों का ग्रुप है। अब मैं आप लोगों को लड़कियों का ग्रुप दिखाता हूँ। ये जो ग्रुप आप लोग देख पा रहे हैं ये लड़कियों का ग्रुप है, ओनली गर्ल्स ग्रुप। इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ऐड हैं, लड़कों का ग्रुप अलग है और लड़कियों का ग्रुप अलग। तो जो भी मेरी बहनें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हैं और पीडीटी 2022 की परीक्षा की निःशुल्क तैयारी करना चाहती हैं तो आप बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कर सकती हैं हमारे द्वारा दिए गए मटेरियल से। 1 घंटे का ये लाइव टेस्ट होता है तो जो भी बच्चा हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, जो नंबर मैंने आपको दिया है, फोन नंबर दिया है, वो फोन नंबर अपने फोन में सेव करिए और हमें मैसेज करें, ओके। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि राजस्थान पीडीटी 2022 का एग्जाम कराने का जिम्मा किसे सौंपा गया है, एग्जाम से लेकर काउंसलिंग तक। तो आप लोग देख सकते हैं, राजस्थान पीडीटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 का एग्जाम जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर आयोजित करवाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। पीडीटी 2021 का एग्जाम डूंगर कॉलेज में आयोजित करवाया गया था। इस बार पीडीटी का एग्जाम से लेकर कॉलेज अलॉटमेंट तक जय नारायण विश्वविद्यालय को सौंपा गया है। राजस्थान पीडीटी का एग्जाम के फॉर्म मार्च के पहले सप्ताह स्टार्ट होंगे एवं पीडीटी का एग्जाम संभवतः जुलाई अगस्त के मध्य आयोजित होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो नए बच्चे हैं वो जानते नहीं है कि पीडीटी आखिरकार होता क्या है, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। ऐसे सामान में 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल की बीएड की डिग्री होती है, लेकिन यदि कोई विद्यार्थी 12वीं करने के पश्चात इसको पास करता है, विद्यार्थी को कुल 4 साल में ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री दे दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन डिग्री ले चुका है तो उसके पश्चात व्यक्ति को पीडीटी का एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के पश्चात बीएड की डिग्री के लिए विद्यार्थी को कॉलेज उपलब्ध करवाया जाएगा। ग्रेजुएशन के पश्चात यदि कोई व्यक्ति इस पीडीटी एग्जाम के पश्चात बीएड की डिग्री करना चाहता है तो उस विद्यार्थी के लिए 2 साल की डिग्री उपलब्ध होगी। गाइस, यदि आप राजस्थान पीडीटी 2022 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देख लीजिए। तो रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 नंबर के, टीचिंग एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 नंबर के, सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 नंबर के, भाषा हिंदी और अंग्रेजी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 नंबर के। टोटल इसमें 200 क्वेश्चन होंगे 600 नंबर के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप लोग अपने मनपसंद का कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे। आप लोगों ने 2021 में अगर आप लोगों ने काउंसलिंग करवाई होगी तो आपको पता होगा कि जिन बच्चों के 350 से 380 के बीच में नंबर थे उन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। तो ये मान के चलिए कि इस बार आपको 400 से 450 के बीच में नंबर लाने हैं। मैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ, एससी एसटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब सिलेबस देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी से, कल्पना सामान्यकरण आरेख रचनात्मक सोच, ये तो हो गया आपका मेंटल एबिलिटी। अब बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से, क्या क्या पूछा जाएगा, नेतृत्व, संचार, जागरूकता, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, अंतर्वैयक्तिक संबंध।
जनरल नॉलेज की अगर बात करते हैं तो जनरल नॉलेज में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, पर्यावरण जागरूकता, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, भारत और उसके प्राकृतिक संसाधन, महान भारतीय व्यक्तित्व। अब हम बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी की। तो इंग्लिश में वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, फंक्शन, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। हिंदी की बात करें तो हिंदी में शब्दावली, कार्यात्मक व्याकरण, वाक्य संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका राजस्थान पीडीटी 2022 का सिलेबस। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।